गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को वैद्युत धारिता चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। पिछले क्लास में हम ये बतलाए थे आप लोगों को कि कौन कौन से फॉर्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे इस चैप्टर में, तो एक बार आप देख लें उस चीज़ को पुनः कि कौन कौन सा फॉर्मूला हम इसमें से यूज करने वाले हैं, तो एक बार एक नज़र में आप देख लें। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा C इक्वल टू Q बाय V। दूसरा फॉर्मूला होगा आपका C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R, जिसको हम लोग गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, और ये फॉर्मूला हमारा गोलीय चालक की धारिता का हो गया, और ये फॉर्मूला आपका जो है चालक की धारिता का हो गया C इक्वल टू Q बाय V, और ये फॉर्मूला हो गया गोलीय चालक की धारिता का C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। अब अगला फॉर्मूला पर हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो आपको हमने बताया था, और वो फॉर्मूला था आपका उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला था, और उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला भी के लिए फॉर्मूला आता है आपका। क्या फॉर्मूला बताया गया था? C1V1 + C2V2 / C1 + C2। ये देखिए, दो चालक जब होता है और दो चालक को जब हम एक पतले तार से जब नहीं जोड़ते हैं, तो दोनों चालक पर जो कुल आवेश होता है, जैसे Q1 का वैल्यू C1V1 और Q2 का वैल्यू हो गया C2V2, इस प्रकार से जब दोनों को मिला देते हैं तो टोटल चार्ज मेरा Q हो जाता है C1V1 + C2V2। तो यहाँ पर हम इसके बदले में हम सिर्फ Q भी लिख सकते हैं, Q/C1 + C2। इसके बाद आप जो है एक फॉर्मूला जो हम आप लोगों को बताए थे, और वो फॉर्मूला था आपका आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास का। तो आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास किस तरह से होता है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको हमने बतलाया था। आज का जो है उसमें हम ये लिख देते हैं कि आप कौन सा फॉर्मूला देखे थे प्रूव्ड करके, इसीलिए वो हमारा चौथा फॉर्मूला हो जाएगा, और वो फॉर्मूला जो है आपका डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला था, और डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला C1 C2 × V1 - V2 / 2 C1 + C2। तो इस फॉर्मूले को भी आपने देखा, इसलिए इस फॉर्मूले तक का हम आज हम आप लोगों के बीच में इसका उपयोग करेंगे। बाकी छोटे छोटे वैल्यू आपको जैसे पता है, 1 μC अगर रहेगा तो उसको आप 10⁻⁶ का इस्तेमाल करेंगे, -6 C के रूप में। 1 अगर pC रहेगा तो पीको में 10⁻¹২ के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लें, इसके बाद हम आपको पहला सवाल दे रहे हैं बनाने के लिए, इसके बाद इस सवाल को बनाएंगे। तो ओके, इसको आप एक बार नोट कर लें। नोट कर किया हुआ अगर हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं और पहले वाले सवाल पर चलते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए अभी जो है हम आपको पहला सवाल दे रहे हैं। पहला सवाल है, एक गोलाकार चालक की धारिता, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 pF है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसके त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिख रहा है यहां तक? इसके त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो धारिता का वैल्यू दिया गया है C का वैल्यू, तो C बराबर हो गया आपका 1 pF। तो पीको फराड़े से आप
इसको फैराडे में सिर्फ कन्वर्ट करें तो ये आपका हो जाएगा 10^-12 फैराडे। फैराडे को फैराड भी कहा जाता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। हम फैराडे बोलते हैं लेकिन इसको फैराड भी कहा जाता है। तो 10^-12 फैराड भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमको निकालना क्या है, त्रिज्या। तो गोलीय चालक की धारिता के ही फॉर्मूले से C बराबर 4π εr, इस फॉर्मूले से यहां से हम R का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहां पर वैल्यू किसका पुट करना है, 4π εr का। तो आप इस बात को जानते हैं कि 1/4π εr का वैल्यू होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। जब ये ऊपर चला जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो 4π εr का वैल्यू रखेंगे आप 9×10⁹। यूनिट क्या रखेंगे, इसी को आप अपोजिट कर देंगे, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, ये यूनिट हो जाता है। तो यहाँ निकालना आपको क्या चीज है, R का वैल्यू निकालना है। तो R बराबर आप निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका C/4π εr। जरूरत नहीं पड़ रहा है 4π εr का डायरेक्ट वैल्यू, अगर हम ये रख दें 1/4π εr का वैल्यू तो 9×10⁹ हो जाएगा, और C का वैल्यू 10⁻¹2 रख देंगे, इस तरह से आपका वैल्यू हो जाएगा 9×10⁻¹2। अब 12 में 9 तो कितना, -3 ना, तो 9×10⁻³ मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें इस सवाल को, और आगे हम इसी तरह का सवाल दे रहे हैं, इसके बाद आप उसको भी बनाएंगे। ओके, लिखिए इसको। हो गया, दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लें। अगला सवाल देखते हैं। सेकेंड नंबर सवाल है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 0.9 मीटर है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 0.9 मीटर है, इसको 200 कूलम्ब का आवेश दिया गया है। आवेशित चालक का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो यहां पर आवेशित चालक का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, और जैसा कि आपको हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला या चालक की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हमने आपको प्रूव्ड करके दे दिया है। कौन सा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला हाफ सी वी का स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी, तीसरा फॉर्मूला हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ये तीनों फॉर्मूले को आप ध्यान से देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो में जा करके देख लें ये तीनों फॉर्मूले को, या फॉर्मूले वाले वीडियो में जा करके देख लें, इसमें हम आपको क्लियर कर दिए हैं। और दिक्कत हो तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है ही आपके पास, कॉल कर लें बात कर लें। ओके, लुक एट द बोर्ड। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 0.9 मीटर है, तो R का वैल्यू दिया गया है 0.9 मीटर। इसको 200 कूलम्ब का आवेश दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज का वैल्यू जो है आपको दिया गया है 200 कूलम्ब। अब कहता है आवेशित
का वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करें, अर्थात यहाँ पर U बराबर हमको निकालना है। अब तो U के लिए अगर हम बात करें तो फार्मूला तो हमारा हाफ सी वी का स्क्वायर, जैसा कि अभी आपको हम बतलाए थे कि हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और एक फार्मूला हम बतला रहे हैं आपको हाफ क्यू भी। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए हमें हर कंडीशन में हमको सी चाहिए, या यहाँ पर अगर इस फर्म यहाँ रखते तो यहाँ पर हमको भी चाहिए। लेकिन आसान क्या है कि हम आसानी से यहाँ पर सी का वैल्यू निकाल लें और इस फॉर्मूले में हम पुट कर दें, क्योंकि चार्ज का वैल्यू हमको दिया गया है। तो सी निकालने की गोलाकार चालक है, गोलाकार चालक है तो गोलीय चालक की धारिता के लिए आपको फॉर्मूला पता है। तो सी का वैल्यू पहले फाइंड कर ले, 4πε(r), r का वैल्यू आपको दिया गया है और इसका वैल्यू आप रख सकते हैं 9×10⁻¹। इसको हम पिछले सवाल में भी अभी बताया, जस्ट बताया कि 4πε रहने पर आप 1/9×10⁻¹ का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, r का वैल्यू 0.9 हो गया। दशमलव को आप हटाना चाहते हैं हटा दे, नीचे 10 लिख दे। तो अगर यहाँ पर ऐसा भी ये 9 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका धारिता का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे में हो गया आपका 10⁻¹ और एक ये, तो 10⁻¹। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻¹⁰ फैराड के बराबर हो गया यहाँ पर। तो सी इक्वल टू 10⁻¹⁰ फैराड। अब सी का वैल्यू निकल गया तो आप तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में अगर हम ऊर्जा का वैल्यू, स्थिति ऊर्जा का वैल्यू निकालेंगे तो यू बराबर फॉर्मूला यूज कीजिए, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब क्यू का वैल्यू आप यहाँ पर रख दे, क्यू का वैल्यू कितना 200 का होल स्क्वायर, और सी का वैल्यू हो गया आपका 10⁻¹⁰। जब ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका 2 मल्टीप्लाई हो गया 200 × 200, और ये आपका यहाँ नीचे तो पहले से 2 है और यहाँ 10⁻¹⁰ है, तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 100 टाइम्स में कट जाएगा। अब आपका जो है ये 2 पर कितना 0 हो गया, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये 4, तो 2×10⁴ और 10⁻¹⁰ हो गया। तो 2×10⁻¹ कितना, 10⁻¹⁰ और ये 4, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 10⁻¹⁰ कितना हो जाएगा यहाँ पे -6, और ये इतना जूल जो है ये आपका वैद्युत स्थिति ऊर्जा होता है। इसको आप ध्यान से कैसे बनाए कैसे कटाए, इसको आप एक बार अच्छे ढंग से पुनः वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख ले, उसके बाद तब अगला सवाल लेते हैं हम। ओके, लॉकडाउन में मजा तो आ रहा होगा घर में बैठे बैठे, ना तो कहीं जाना होता है ना तो किसी से मिलना होता है, हम लोग को भी अब मन नहीं लगने लगा, इसलिए यह आपका क्लास जो है YouTube पर हम स्टार्ट कर दिए। तो क्या करते घर में भी बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आप लोगों के बीच में आ गए, तो कुछ आप लोग भी सीख लीजिए, हमारा भी टाइम कट जाएगा। ओके, चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 पर लेते हैं। तीसरा सवाल लेते हैं, एक पिकोफैराड के संधारित्र, एक पिकोफैराड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है, उस पर संचित आवेश का मान ज्ञात कीजिए, संचित
सवाल बनाने का तरीका तो आपको पता ही है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या दिया गया है और वह कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है और निकालना क्या है। जैसे आप मेरे साथ चलें इस सवाल पे, एक पिको फैराडे, यूनिट से भी पता चल गया कि एक पिको फैराड दिया गया है अर्थात धारिता का मान दिया गया है एक पिको फैराड। यूनिट में देख ले इसका, ऐसा ही यूनिट में इसको कन्वर्ट कर ले तो 10^-12 फैराडे, ये आपका हो जाएगा 10^-12 फैराडे। अब जो है 100 वोल्ट, यहां पर क्या हो गया 100 वोल्ट, विभव का वैल्यू है, विभवांतर का वैल्यू है 100 वोल्ट, इसको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उस पर संचित आवेश का मान ज्ञात करना है, Q का वैल्यू ज्ञात करना है, सिंपल फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q इक्वल टू C इंटू वी, C का मान 10^-12 और वी का वैल्यू 100, तो आपको पता है कि 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10^2, तो इस तरह से -12 में 2 ऐड हो जाएगा तो 10^-10 हो गया, इतना कूलम्ब लिखिए और ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजी सवाल था ये, इसको आप नोट कीजिए, ये तीसरा सवाल आपका था, इसको नोट करें। इसके बाद आपको चौथा सवाल देते हैं, एक संधारित्र को, फोर नंबर प्रॉब्लम, एक संधारित्र को 10^3 वोल्ट तक आवेशित, एक संधारित्र को 10^3 वोल्ट तक आवेशित करने पर, आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है, आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज दिया गया है। एक संधारित्र को 10^3 वोल्ट तक आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है, इसका मतलब 10^3, इसका मतलब विभव दे दिया है 10^3 वोल्ट, और चार्ज कितना ग्रहण कर रहा है, क्यू का वैल्यू हो गया आपका 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को पहले कूलम्ब में कन्वर्ट कर लें, 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना कूलम्ब बताइए, कितना कूलम्ब, 1 माइक्रोकूलम बराबर 10^-6 कूलम्ब, ओके 2 × 10^-6 कूलम्ब, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, C इक्वल टू 1, तो C के लिए फॉर्मूला क्यू बाई वी, और Q का वैल्यू हो गया 2 × 10^-6, और विभव का वैल्यू हो गया 10^3, तो 2 तो रह गया लेकिन ये -6 ऊपर वाला, ये वाला जब ऊपर गया तो 10^-3, तो इसका वैल्यू आ गया 2 × 10^-9, 2 × 10^-9 क्या फैराड, इसका वैल्यू हो गया 2 × 10^-9 फैराड। तो ये आपका संधारित्र की धारिता हम इस तरह से हम याद कर लेते हैं, तो इस को भी नोट कर ले। एक सवाल और देख लेते हैं, आज 5 सवाल पढ़े, इसके बाद अगले वीडियो में भी आपको हम आगे सवाल बताते जाएंगे, कुछ इसके बाद जो आपको हम थ्योरी में पढ़ाएंगे, जो कैपेसिटर जो हम आपको बताए थे तो कैपेसिटर का क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और उसमें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हम
अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सवाल जो बता रहे हैं इसको आप पहले देख लें। ओके, यहां तक तो आपका हो गया, समझ में आ रहा है? समझ में अगर आ रहा हो तो कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं, या तो आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर लें, जहां भी दिक्कत होता है वहां हमें बताएं कि सर हमें यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, इससे हम आपके समस्या का निदान कर सकते हैं। ओके, अगले सवाल को देखते हैं। हाइट नंबर प्रॉब्लम है, एक चालक एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराडे है, 2000 वोल्ट तक आवेशित 2000 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। चालक द्वारा संग्रहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए, ये भी सवाल बहुत इजी है। एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराडे है, 2000 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, चालक द्वारा संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल में देखें, एक चालक जिसकी धारिता कितना दिया हुआ है, सी इक्वल टू 20 माइक्रो फैराडे, सी का वैल्यू 20 माइक्रो फैराड, और इसको हम माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 10^-6 फैराड हो गया। उसके बाद 2000 वोल्ट तक विभव तक आवेशित किया गया था, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है 2000 वोल्ट। इसके बाद ऊर्जा का वैल्यू ज्ञात करना है, U इक्वल टू फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, बहुत इजी है। हाफ सी का वैल्यू 20 × 10^-6, वी का वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे 2000 का होल स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पर देखें, इस जगह पर हाफ तो हो गया, 20 × 10^-6 भी हो गया, लेकिन 2000 को दो बार गुना करना है, तो पहले तो यहां पर 10 कर सकते हैं इसको। आगे में देखें, 2 × 2 = 4 हो गया, 3 × 3 कितना 0, 6 0 हो गया, तो 4 × 10^-6, 4 × 10^-6 ये हो गया, दिखाई दे रहा है ना, तो 4 × 10^-6 ये हो गया। पहले तो अगर हम करें 2 × 2 = 4 तो 3 0 3 0 ये प्लस में 6, लेकिन यहाँ पर एक माइनस में भी 6 है, 10^-6 और एक यहाँ पर 10 है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया 10^-6 और 10^-6, ये तो 0 हो गया, बच गया 10, 10 × 4 करिए कितना हो गया 40, ये आपका 40 जूल आपका ऊर्जा का वैल्यू यहाँ पर हो जाता है, जो आपका आंसर होता है 40 जूल। तो आज बस इतना रहने देते हैं, आप इसको देखें, आज हम पहली बार जो है आप लोगों के सामने बोर्ड पर आकर के हम बतला रहे हैं, अगर समझ में आता हो तो कॉल करके हमको सूचित करें, हम इसी तरह से वीडियो बनाएंगे, या तो फिर हम पहले तो वीडियो नोट से बना करके देते थे, आज इसको अच्छे ढंग से देखें, अगर बेहतर रहा तो इसी तरह से जारी हम रखेंगे। ओके, थैंक यू।